प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। बाहुबली द कंक्लूजन को कैसे पीछे किया टाइगर जिंदा है ने, दंगल भी पीछे रह गई, टाइगर जिंदा है के आगे, और फिल्म का कितना रहा 13वें और 14वें दिन का कलेक्शन, फिल्म टाइगर जिंदा है ने कैसे बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, और किस तरह ये फिल्म 6,500 करोड़ क्लब को क्रॉस कर जाएगी, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीवुड राज स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो फाइनली सलमान खान बन ही गए बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पे नंबर वन, और सबको दिखा दिया कि टाइगर आखिर टाइगर ही होता है, और अपनी हर दहाड़ के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसी ही ये फिल्म दहाड़ मारती रही तो जरूर ये फिल्म एक दिन बाहुबली द कंक्लूजन और दंगल के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। ये सभी फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन और दंगल लगातार 8 वीक तक चली थी, और अगर टाइगर जिंदा है भी ऐसी चली तो जरूर लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में बात की थी टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए 13वें और 14वें दिन के कलेक्शन के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि वो कौन सी फिल्म है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक नंबर वन पे है, नंबर टू पे और नंबर थ्री पे है। तो आजकल जो दहाड़ रही है बॉक्स ऑफिस पे उसकी बात करते हैं, मतलब कि टाइगर जिंदा है की। तो टाइगर जिंदा है का 13वें दिन का कलेक्शन है 5,84,00,000 और 14वें दिन का कलेक्शन है 5,09,00,000। इस फिल्म का अब तक का टोटल होता है 293,92,00,000। उसके बाद नाम आता है उस फिल्म का जिसे चाइना में सबसे ज्यादा स्क्रीन मिले, और चाइना में कलेक्शन करने के बाद ये फिल्म नंबर वन बन गई इंडियन बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के मामले में, और साथ ही ये इंडिया की पहली फिल्म बन गई जो 2000 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। ये वही फिल्म है जिसने इंडियन फिल्मों को इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पे लाके खड़ा कर दिया और एक नई पहचान दी कि बॉलीवुड फिल्में भी हॉलीवुड फिल्मों जितना बिजनेस कर सकती हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म दंगल के बारे में। इस फिल्म का 13वें दिन का कलेक्शन था 9,23,00,000 और 14वें दिन का कलेक्शन था 9,12,00,000, और इस फिल्म का 14 दिन तक का टोटल होता है 313 करोड़। रोहित शेट्टी फिल्म गोलमाल अगेन, ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें अजय देवगन, तुषार कपूर, तब्बू, परिणीति चोपड़ा, अर्शद वारसी, प्रकाश राज और नील नितिन मुकेश। इस फिल्म में ऐसा लगता है कि आधा बॉलीवुड आ गया है, और इस फिल्म ने 13वें दिन कलेक्शन किया था 3,78,00,000 का और 14वें दिन 3,38,00,000 का, और इस फिल्म का 14 दिन तक का टोटल होता है 170,10,00,000। बाहुबली द कंक्लूजन ये एक बहुत बड़े बजट की मूवी थी और इस फिल्म के हर एक सीन पर बहुत ही खास काम किया गया था। यहाँ तक इस फिल्म के लिए एक नई लैंग्वेज का आविष्कार किया गया। इस फिल्म का 13वें दिन कलेक्शन था 17,25,00,000 और 14वें दिन 12,75,00,000, और इस फिल्म का 14 दिन तक का टोटल होता है 384 करोड़। इस रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर जिंदा है नंबर 3 पे है, दंगल नंबर 2 पे और बाहुबली द कंक्लूजन नंबर 1 पे। जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि कैसे टाइगर जिंदा है ने दोनों फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो आइए जानते हैं। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। शुरुआत के 12 दिनों में फिल्म ने 280 करोड़ का बिजनेस किया और जल्द ही 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कमाई के मामले में सलमान खान की टाइगर जिंदा है ने हिंदी सिनेमा की दो सबसे बड़ी फिल्मों को बाहुबली द कंक्लूजन और दंगल को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ हम बाहुबली द कंक्लूजन और दंगल की ओवरऑल कमाई की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि रिलीज के दूसरे सोमवार के कलेक्शन की बात कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस इंडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के दूसरे सोमवार टाइगर जिंदा है ने करीब 18 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, और इसी के साथ सलमान की फिल्म ने दोनों फिल्म का रिकॉर्ड ब्रेक किया। बता दें दूसरे सोमवार बाहुबली के खाते में 16,53,00,000 आए और दंगल के 12,97,00,000। 21 दिसंबर को रिलीज हुई टाइगर जिंदा है ने शुरुआती 2 दिन में 50 करोड़, 3 दिन में 100 करोड़ और 4 दिन में 150 करोड़, 7 दिन में 200 करोड़ और 10 दिनों में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। अली अबास जफर के निर्देशन में बनी ये फिल्म साल 2012 में आई एक था टाइगर की सीक्वल है। एक था टाइगर का कुल बजट था 75 करोड़। वहीं सलमान खान की फीस को छोड़कर टाइगर जिंदा है का कुल बजट लगभग 150 करोड़ रुपए है। रिलीज के चौथे दिन ही फिल्म अपनी लागत निकालने में कामयाब रही। सुपरस्टार सलमान खान के फिल्म टाइगर जिंदा है को रिलीज हुए 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिल्म का क्रेज दर्शकों के बीच अभी भी बरकरार है। इसका अंदाजा आप फिल्म के कलेक्शन से लगा सकते हैं। पहले हफ्ते में फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने के बाद सलमान कैटरीना की ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने को तैयार है। हॉलीडे पे ताबड़तोड़ कमाई करने के बाद वीकेंड पर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने बुधवार को 5,84,00,000 का बिजनेस किया और बृहस्पतिवार को 5,09,00,000 का। इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई होती है 293,92,00,000। जिस रफ्तार से टाइगर जिंदा है कमाई कर रही है उससे साफ है कि फिल्म जल्द ही सुल्तान का रिकॉर्ड तोड़ देगी। बता दें कि सुल्तान ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 300,45,00,000 का बिजनेस किया था और टाइगर जिंदा है ने पहले हफ्ते 206 करोड़ का कलेक्शन किया, और वही फिल्म ने
दूसरे हफ्ते में 293 करोड़ का बिजनेस किया है। इसी के साथ फिल्म ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये फिल्म फिजी में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत की पहली फिल्म बन चुकी है। इन सारे आंकड़ों को देखा जाए और हिसाब लगाया जाए तो कहा जा सकता है कि ये फिल्म 6,500 करोड़ क्लब को बहुत जल्द ही क्रॉस कर जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय दें, और फिल्म से रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। और देखते रहें पॉलीग्राड स्टूडियोज। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।